ये कि आपने ये सचिन वाली का पूरा करेक्टर बताया कि उनका किस तरह से सरकार के साथ वो आप नजदीकी रहे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस मामले में जिस तरह से एनटीडीए के बाहर जो जिलेटिन की छड़े मिली गाड़ी के अंदर, इसे आप कैसे देख रहे हैं कि एनटीडीए के बाहर विस्फोटक रखने का क्या मकसद है, क्या मकसद देखिए, ये मकसद तो अभी ढूंढना ही पड़ेगा, ये तो एनआईए ढूंढेगा। चूंकि अब अपराधी मिला है तो मकसद भी मिलेगा, तो इसके ऊपर मैंने कुछ कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा संदेश देना चाहते थे, कोई स्टेटमेंट करना चाहते थे, और उस स्टेटमेंट के माध्यम से कोई ना कोई आगे की मंशा थी। ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं था, कोई ना कोई इसके आगे की मंशा थी। क्योंकि एक ज़माने में महाराष्ट्र में कुछ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का एक्सटॉर्शन रैकेट भी चला करता था, इस प्रकार का हमने सुना है। और किस प्रकार से वो उस समय एक्सटॉर्शन करते थे, इसकी कई कहानियाँ जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए या हमारे जो महाराष्ट्र के पत्रकार यहाँ हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। इसलिए ये केवल जिलेटिन तक ये बात रुकती नहीं है, आगे मंशा तो पक्की है।